क्योंकि एक तरफ महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे का ऐलान, दूसरी तरफ महायुति में सीट बंटवारे पर अभी औपचारिक मुहर नहीं लगी है। लेकिन इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि शिंदे और अजीत पवार अपने उम्मीदवारों की पहली सूची आज जारी कर सकते हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जानकारी मिल रही है। अजीत पवार भी उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जारी कर सकते हैं, एकनाथ शिंदे की तरफ से भी उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जारी की जा सकती है। सीधे आपको लेकर चलेंगे। मृत्युंजय हमारे सहयोगी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। मृत्युंजय, महाराष्ट्र में बीजेपी की तरफ से पहले ही उम्मीदवारों के नाम की एक लिस्ट जारी की जा चुकी है और अब इसी क्रम में शिंदे और अजीत पवार की पार्टियों के नाम भी सामने आ रहे हैं, वो भी अपने अपने उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी कर देंगे। मतलब वो सीटें जहां पर पेच अटका हुआ है उनको छोड़कर, वो सीटें जहां पर बात पूरी तरीके से बन चुकी है वहां पर कम से कम उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाए, इसी रणनीति पर महायुति आगे बढ़ते हुए। बिल्कुल, यही रणनीति नजर आ रही है महायुति की। और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में जो गलती महायुति ने की थी वो गलती विधानसभा में नहीं दोहराना चाहती। लोकसभा में आपको याद होगा कि नामांकन के एक दिन पहले तक उम्मीदवारों के नाम घोषित हो रहे थे, उज्ज्वल निगम की सीट हो, इस प्रकार की कई सीटें हैं, ये सब एक दिन पहले नामांकन पर घोषित की गई थी और उसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारियां करने का मौका नहीं मिला था, प्रचार करने का मौका नहीं मिला था। अब वो गलती महायुति नहीं दोहरा रही है। आपको बता दें कि महायुति में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय है। 155 सीट पर बीजेपी लड़ेगी, 78 सीट पर शिवसेना लड़ेगी और 55 सीट पर अजीत पवार गुट लड़ेगी। ये हमें हमारे महायुति के सूत्र बता रहे हैं। अब इसमें कुछ पेच ये है लेकिन ये स्ट्रेटेजिक अलायंस एक नज़र आता है कि कई सीटों पर उम्मीदवार जो है वो बीजेपी का चेहरा होगा लेकिन सिंबल शिवसेना का हो सकता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, नारायण राणे के दूसरे बेटे हैं नीलेश राणे, नितेश राणे को ऑलरेडी कंकौली से टिकट दे दिया गया है बीजेपी की सीट पर उनके दूसरे बड़े बेटे हैं नीलेश राणे, वो शिवसेना ज्वाइन करेंगे शिंदे गुट और शिवसेना से जो कुड़ाल की सीट है रत्नागिरी सिंधुदुर्ग में वहाँ से वो उम्मीदवार होंगे शिवसेना के। तो एक ही घर में एक बेटा बीजेपी से लड़ रहा है, एक बेटा शिवसेना से, लेकिन ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा है क्योंकि उस क्षेत्र में नारायण राणे मजबूत माने जाते हैं। तो इसी प्रकार से कई सीटों पर भी उम्मीदवार हो सकता है शिवसेना बीजेपी के हों, शिवसेना के सिंबल पर लड़ें या शिवसेना के बीजेपी पे भी लड़ सकते हैं। पर कुल मिलाकर जो महायुति का आंकड़ा है वो स्पष्ट है, 155 बीजेपी, 78 शिवसेना शिंदे और 55 अजीत पवार। और आपको बता दें कि जल्दी जो पहली लिस्ट आने वाली है अजीत पवार और शिवसेना की, उसमें जो बागी जब ये लोग हुए थे, बगावत किए थे, जो पहली बार उनके साथ आए थे, उनके नाम होने की पूरी संभावना है। शिवसेना के 40 विधायकों के नाम पहली सूची में होंगे जो उनके साथ बगावत में शिंदे के साथ गए हुए थे। आप रहिए मृत्युंजय मेरे साथ, मैं आपके पास लौटूंगी। नम्रता और आशीष का बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।